मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में लगातार हो रही बारिश ने पुराने और जर्जर मकानों और इमारतों को अपना निशाना बनाया है। मुंबई में आज दो इमारतें गिरने से लोग डरे हुए हैं। भारी बारिश और जल जमाव के बीच पहले मुंबई के मलवानी इलाके में एक 5 मंजिला चौल धराशाही हो गई, तो उसके कुछ देर बाद ही मुंबई के किला इलाके में स्थित भानुशाली बिल्डिंग का एक हिस्सा नीचे गिर पड़ा। इमारत गिरने की वजह से वहां से 5 से 6 लोगों के दबे होने की आशंका है। घटना की जानकारी मिलते ही दमकल कर्मी और स्थानीय पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंच गई। वहीं भानुशाली इमारत के एक हिस्सा गिरने के बाद वहां दमकल की 4 गाड़ियां मौजूद हैं। मलबे की चपेट में आए लोगों की तलाश जारी है, रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू है। वहीं इमारत गिरने की वजह से घायल हुए लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस हादसे को लेकर कैबिनेट मंत्री अरविंद सावंत ने कहा कि ये चौल कम से कम 100 साल पुरानी है और मरम्मत या सहयोग के लिए कई बार केंद्र सरकार को नोटिस भेजे जा चुके हैं, लेकिन कोई निष्कर्ष सामने निकल कर नहीं आया, जिसके कारण ये बड़ा हादसा हुआ। मुझे काफी खेद है। ने बताया कि बिल्डिंग सेज बिल्डिंग है, पुरानी बिल्डिंग है, अंडर रिपेयर थी। हर बारिश में ये होता है, लेकिन बीएमसी उनको नोटिस देती है। आप ये गलत गलत बोला। मुझे, मैं जानता हूँ बहुत पुरानी इमारतें हैं, आप विश्वास नहीं करेंगे ना। मैंने सांसद में भी ये सांसद सवाल उठाया था कि मैं केंद्र को भी कहता था कि जब आप ये प्राइम मिनिस्टर्स के घरों की जो योजना आई प्रधानमंत्री आवास योजना, तो मैं कहता था कि भाई मुंबई में जो बिल्डिंगें ढह रही है, पुरानी इमारतें हैं, उसके लिए भी केंद्र सरकार कुछ सहायता करे। अब ये राज्य के पास इतना पैसा नहीं कि सारे रीडेवलप करे। मुंबई पुराना शहर है, 100 साल पुरानी इमारतें हैं, इनको नोटिस दी जाती है। महापालिका इस बारे में बहुत सख्त रहती है, बराबर नोटिस देती रहती है, लेकिन ये बिल्डिंग पूरी अभी तो रिपेयर के अंडर थी, तो पता नहीं रिपेयर के बीच में कुछ क्या हुआ।